जब हम यहाँ सियासी पॉलिटिकल पार्टीज को देखते हैं और उन पे सोच अपना एक गौर फिक्र करते हैं, तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस एक वाहिद जमात है जो लोगों की तर्जुमानी सही तरीके से कर सकती है, कर रही है और आगे भी इंशाल्लाह कुछ करेगी। क्योंकि मैं आपको एक फैक्ट्स की दुनिया पे बोलता हूँ, सजाद साहब बहुत कम वक्त के लिए मंत्री रहे। ओल्ड एज पेंशन 200 रुपये से 1000 रुपये सजाद साहब ने किया, तो गोल्डन कार्ड आप देख रहे हैं कि लोगों का इलाज हो रहा है। सजाद साहब वॉज द फर्स्ट वन टू स्पीक अबाउट इट ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली और उसको इम्प्लीमेंट करवाने में उनका बहुत योगदान रहा कि लोगों को ये बात पता चले कि ये फैसिलिटी क्या है और इसमें आप देख रहे हैं लोगों का इलाज हो रहा है, 5-5 लाख रुपए का इलाज हो रहा है। ये कश्मीरियों का दर्द समझने वाला लीडर जिसने मुसीबतें देखी हैं, फर्स्ट हैंड देखी हैं, वो कोई बॉम्बे अमरीका से नहीं आए, उन्हें यहाँ जेल देखी, उन्हें मार देखी है, यहाँ पे एसटीएफ का वो दौर देखा, उनके वालिद साहब जेलों में थे पूरा टाइम, उन्होंने कोई ऐशो आराम की जिंदगी नहीं गुजारी है। फादर उनके एक टेरर अटैक में मारे गए, विच इज़ ए ट्रेविस्टी, किसी के भी साथ अगर वैसा हो सकता है, वो इंसान उस चीज़ से उभरने में बहुत वक्त लगा। ये तो हम समझते हैं कि सजाद साहब का ये एक उनका अपना कैरेक्टर है, उनका स्टेचर है कि वो आज जहाँ पे भी जिस मुकाम पर भी हैं अपनी मेहनत की वजह से, अपने कामों की वजह से। मौलाना इमरान अंसारी शिया रहनुमा नहीं, मौलाना इमरान रजा अंसारी मुसलमानों के रहनुमा, उसमें शिया सुनी नहीं है। मैं सुनी हूँ, मेरे रहनुमा भी इमरान साहब हैं। विदो साहब, इलेक्शंस की बात जहाँ तक है, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि खान यार कॉन्स्टिट्यूंसी में काम चल रहा है, काम हम कर रहे हैं अपने छोटे दायरे के हिसाब से, जितनी हमारी लिमिटेड कैपेसिटी है उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं। बाकी दीगर जो लीडरान हैं वो भी वहाँ काम कर रहे हैं, और लोगों ने हमारे में फ़र्क इतना है कि लोगों ने उन लीडरों की कारकर्दगी देखी पिछले 20 साल 25 साल 30 साल जो वहाँ पे स्थानीय एमएलए हैं, मंत्री रह चुके हैं, तो उनके काम लोगों ने देख रखे हैं कितना काम उन्होंने किया, अच्छा या बुरा किया उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन जितना भी काम किया है तो लोगों की नज़र है उस चीज़ पे। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि क्योंकि हम जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो हमारे लीडर सजाद गनी लोन साहब हैं, उनके क्रेडेंशियल्स हम मानते हैं अपने हिसाब से कि सबसे बेहतर हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल स्टफ पे। अगर कोई इंसान किसी लीडर की टॉप एंड क्रेडेंशियल्स हैं सियासी तौर पे, तो वो सजाद गनी लोन साहब के हैं। और तैयारी जहाँ तक आप बोल रहे हैं, तैयारी तो चल ही रही है, हमेशा एक सियासी वर्कर जो होता है तो वो हर पूरा टाइम काम तो उसका चल ही रहा होता है, और बीच में इलेक्शंस भी अब कह रहे हैं कि अनाउंस हो रखे हैं इलेक्शंस यूएलबी के, तो इंशाल्लाह हमारा ये हमारी उम्मीद है कि जब इलेक्शंस होंगे तो लोगों का जो सपोर्ट और रुझान है वो जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ होगा। फैक्ट्स की बुनियाद पर सजाद साहब के जो काम रह चुके हैं उनके दौरे इख्तियार में, हालांकि बहुत कम वक्त उन्होंने दिया एज मिनिस्टर, तो जितने भी उन्होंने काम किए हैं उस पूरे ट्रैक रिकॉर्ड को देख के हम ये दावा करते हैं कि इंशाअल्लाह मुस्तान अगर हमें मौका दिया जाता है लोगों की खदमत करने का, तो हम विल डू आर बेस्ट। कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट काम करें। बाकी लीडरों, बाकी जितने भी आप नाम ले रहे हैं बहुत बड़े लीडर हैं, हमसे सियासी कद उनका बहुत ज़्यादा है, हमारी कैपेसिटी भी बहुत कम है और हमारा इन्फ्लुएंस भी ज़्यादा नहीं, तो लेकिन जिस हिसाब से हम चल रहे हैं हमें लगता है इंशाल्लाह हिंदुस्तान, इस चीज़ की उम्मीद है कि लोगों का सपोर्ट जो है हमारी तरफ होगा, इसी उम्मीद पे हम हैं। सजाद साहब अगर आप देखेंगे पिछले हफ्ते भी 8 दिन वो दिल्ली में रहे, हमारे जो वकील हैं राजीव धवन साहब, उन्होंने जिस दिन आर्ग्यूमेंट्स अपनी पेश की तो काफ़ी मजबूत आर्ग्यूमेंट्स थी, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट नुक्ते जो 370 में हैं वो उन्होंने वहाँ पे कोर्ट में उजागर किए, जिससे हमारी, हम ये मानते हैं कि हमारी जो आर्ग्यूमेंट है सबसे स्ट्रांग रही। और कल भी, इनफैक्ट 2 दिन पहले भी सजाद साहब दिल्ली में ही थे इसी मामले में। बाकी आगे इसमें क्या उम्मीदें हैं हम नहीं बोल सकते, बिकॉज यू नो इट्स सब ज्यूडिस, अभी कोर्ट में है, लेकिन हाँ उम्मीद हमें ये है और हमें दुआ, इंशाल्लाह हम ये करते हैं
कि सुप्रीम कोर्ट जो है हमारी गुहार सुनेगी और सीरियसली उस पर अमल करेंगे और फैसला जो हो अल्लाह ताला बूझ हमारे हक में हो। सर साहब, ये जानने की काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझे कहा है कि सजाद साहब ने आखिर पीसी को नहीं चुना, क्या आपके फादर वहाँ पर थे इसलिए आप भी वहाँ पर गए? ये मेरे फादर जो खुर्शीद साहब पहले पीडीपी में थे, तो फिर कुछ चीज़ों की वजह से उनको वहाँ खैराबाद करना पड़ा। तो मैं अपने आप को फिर रिपीट करूँगा कि जब हम यहाँ सियासी पॉलिटिकल पार्टीज़ को देखते हैं और उन पे सोच अपना एक गौर फिक्र करते हैं, तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस एक वाहिद जमात है जो लोगों की तर्जुमानी सही तरीके से कर सकती है, कर रही है और आगे भी इंशाल्लाह मुस्तकबिल करेगी। क्योंकि देखिए, ये बात मैं आपको किसी इमोशन के बेस पे नहीं बोलता हूँ, ये बातें मैं आपको एक फैक्ट्स की बुनियाद पे बोलता हूँ। सजाद साहब बहुत कम वक्त के लिए मंत्री रहे, तो उनके काम में दो चीज चार आपको गिनवा देता हूँ। ओल्ड एज पेंशन 200 रुपये से 1000 रुपये सजाद साहब ने की, ये मैं आप लोगों के माध्यम से यहाँ के लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि बहुत लोगों को शायद इस चीज़ का आइडिया नहीं होगा। जो ओल्ड एज पेंशन इंक्रीज़ हुआ सजाद साहब के टाइम पे हुआ, उन्होंने उनका ब्रेन चाइल्ड था 200 से 1000 कर दिया। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स नीति आयोग के जो होते हैं वो कुछ 15-20 डिस्ट्रिक्ट्स पूरे इंडिया से उठाते हैं, कुपवारा उसमें इंक्लूडेड था सजाद साहब की वसादत से। जो गोल्डन कार्ड आप देख रहे हैं कि लोगों का इलाज हो रहा है, सजाद साहब वॉज द फर्स्ट वन टू स्पीक अबाउट इट ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली, और उसको इम्प्लीमेंट करवाने में उनका बहुत योगदान रहा कि लोगों को ये बात पता चले कि ये फैसिलिटी क्या है और इसमें आप देख रहे हैं लोगों का इलाज हो रहा है, 5-5 लाख रुपये का इलाज हो रहा है। और इस चीज़ को फोर्सफुली यहाँ हॉस्पिटल्स में मनवाना है कि भाई ये इम्प्लीमेंट आपने करना ही करना है, ये सजाद साहब का रोल था। पहाड़ी की जो 3% की रिजर्वेशन ही बेसिकली सजाद साहब का ब्रेन चाइल्ड था, शुरुआत उन्हीं के वक्त में हुई, उन्होंने शुरुआत इस प्रोजेक्ट को किया कि पहाड़ी को तीन, आप जिस बारे में आजकल आप देख रहे हैं बहुत बहस मुबहस हो रही है, तो ये सजाद साहब का J&K में आइडिया था। फुटबॉल एस्ट्रोटर्फ फुटबॉल स्टेडियम जो बना हंदवारा में, पहली बार यूथ के लिए मैं ये आपको ये बोल रहा हूँ कि क्या काम किए हैं सजाद साहब ने। एस्ट्रोटर्फ जो हंदवारा में बना वो सजाद साहब ने बनाया। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन, दैट फेदर गोज टू सजाद साहब कैप। क्रिएशन ऑफ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हब जो डिस्ट्रिक्ट हंदवारा में बनाया गया वो सजाद साहब ने बनाया। इंटेग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम जो इम्प्लीमेंट हुई वो सजाद साहब के दौर इक्तदार में हुई। क्रिटिकल एम्बुलेंसेज जो डिस्ट्रिक्ट में चल रही हैं हेल्थ केयर के वसादत से, ये सजाद साहब की वसादत से ये काम हुए हैं। तो जिस इंसान ने बहुत कम वक्त में ये, मैं सारे आपको ये काम गिनवा रहा हूँ, पब्लिक वेलफेयर मेजर्स किए हैं, तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर वो थोड़ी देर और होते तो कुछ बेहतर ही होता। तो आज की डेट में हम इस बात को सोचते हैं कि अगर आज वो वजारत आला की कुर्सी पे बैठते हैं इंशाल्लाह तो बहुत बेहतरीन काम करेंगे। उनके दिल में ये मैं आपको बोल दूँ, ये कश्मीरियों का दर्द समझने वाला लीडर जिसने मुसीबतें देखी हैं, फर्स्ट हैंड देखी हैं, वो कोई बॉम्बे अमेरिका से नहीं आए हैं, उन्हें यहाँ जेल देखी, उन्हें मार देखी है, यहाँ पे एसटीएफ का वो दौर देखा है, उनके वालिद साहब जेलों में थे पूरा टाइम, उनने कोई ऐशो आराम की ज़िंदगी नहीं गुजारी है। फादर उनके एक टेरर अटैक में मारे गए, विच इज़ अ ट्रेविस्टी, किसी के भी साथ अगर वैसा हो सकता है वो इंसान उस चीज़ से उभरने में बहुत वक्त लगाता है। ये तो हम समझते हैं कि सजाद साहब का ये एक उनका अपना कैरेक्टर है, उनका स्टेचर है कि वो आज जहाँ पे भी जिस मुकाम पर भी हैं अपनी मेहनत की वजह से, अपने कामों की वजह से। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो हमने प्रीवियसली देखा कि आपके एक लीडर जो है वो CA जो चीफ सेक्रेटरी है उनसे उन्होंने हीटेड आर्गुमेंट इन द मीटिंग। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊंगा, ये वाक़या पूरी पर्सपेक्टिव में देखने की ज़रूरत है इसको। एक जिन पहले तो मैं इससे डिसएग्री करूंगा कि आप कहने थे कि आपके जो लीडर हैं वो शिया रहनुमा, मौलाना इमरान अंसारी शिया रहनुमा नहीं है, मौलाना इमरान रज़ा अंसारी मुसलमानों के रहनुमा हैं, उसमें शिया सुन्नी नहीं है। मैं सुन्नी हूँ, मेरे रहनुमा भी इमरान साहब हैं,
तो और जिस स्टेचर के वो लीडर हैं, जो मास फॉलोइंग्स उनकी है, उसको मद्देनज़र रख के अगर एलजी सरकार ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको दावत दी थी कि आप इधर आइए और इनसे बात करें, उसके बाद वहाँ बुलाने के बाद जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया, इट इज़ अनएक्सेप्टेबल। पहली बात मैं आपको ये बोलूँ। दूसरी बात ये बोलूँ कि वहाँ पे उनसे पूछा गया कि आप अपना तारुफ़ दीजिए। किससे पूछ रहे हैं आप तारुफ़? आप अपना तारुफ़ दीजिए। जो ये पूछने वाले हैं वो वहाँ के है नहीं, कहीं बाहर के हैं। तो एक लीडर जो यहाँ पे जिनके वालिदों ने, वालिद साहब ने काम किया है कई दशकों से, खुद काम कर रहे हैं कई टाइम से, और सब बहुत बेहतरीन काम करते हैं, और लोगों का उनकी तरफ मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, तो वैसे लीडर को आप बोलेंगे आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे सेक्टेरियन बात कर रहे हैं या ऐसी कोई बात कर रहे हैं? चीफ सेक्रेटरी किस हैसियत से ये बात कर सकता है? यहाँ का है नहीं चीफ सेक्रेटरी, रहने वाला नहीं है। अब इस वक्ती तौर पे उनको यहाँ पे हमारे पे थोपा गया है, उसमें कोई शक नहीं है, पर दैट डज नॉट मीन कि बाकियों की जो हमारे लीडरों की कंट्रीब्यूशन है वो उसको नज़रअंदाज करके उनको। और आजकल मैंने ये बहुत टाइम से देखा हुआ है, ये एक फेवरेट हॉबी बन गई है ब्यूरोक्रेट्स की। ये जब से 2019 में ये रेवोकेशन ऑफ 370 हुआ, उसके बाद ये व्यवहार जो लोगों को ब्यूरोक्रेट्स के दिमाग में है, तो वो अपनी डिवाइन ड्यूटी समझते हैं कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव जो भी है इसको ह्यूमिलेट करो। वो हर किसी लीडर को ऐसे देखते हैं कि भाई ये जैसे कोई चोर है जो चोरी कर रहा था, अब हमारी पकड़ में आया है। और दूसरी बात, आप लोगों से पूछिए, आप मीडिया में हैं, आप लोगों से बात करते हैं, आप जगहों में जाते हैं, आप देखिए लोगों की प्रॉब्लम्स का कहीं पर कोई सोल्यूशन हो रहा है? नहीं हो रहा है। अंदर नहीं आने देते हैं ये अफसर उनको, कमरों के अंदर आने के लिए उनको सिफारिशें डालनी पड़ती है कि हमारे जो छोटे छोटे काम होते थे, इसलिए अफसरों को अंदर आने नहीं देते। अफसरों को नहीं, अफसर लोगों को अंदर नहीं आने देते। अच्छा। जो अगर कोई साइल है किसी काम की वजह से दफ्तर जाते हैं तो उनको अंदर आने की इजाज़त नहीं है, वो अंदर बैठे होते हैं, अपना डिस्कस कर रहे होते हैं, बाहर लोग खड़े होते हैं लाइनों में, कोई काम नहीं हो रहा। MLA को ये, जैसे हम कश्मीरी में बोलते हैं कि MLA या सकांचो वोटर नाल अस्त्रे था, और उस MLA के वहमोगुमान में, उस सबकॉन्शियस में हमेशा ये बात होती है कि मुझे वापस इसी लोग इन्हीं लोगों के पास जाना है वोट मांगने। तो इट इज़ ऑलवेज इन सबकॉन्शियस। वो लोगों को डिसग्रेस नहीं कर सकता, वो लोगों को घर से बाहर नहीं निकाल सकता। अब जो यहाँ पे इस वक्त लोग हैं बरसर इकतदार, वो 2-3 साल के बाद अपने घर चले जाएंगे, ना उनके बच्चों को ये जिस चीज़ का वो फैसला कर रहे हैं उस फैसले का जो ब्रंट है वो हमारे बच्चे सहेंगे, उनके बच्चे नहीं सहेंगे, उनके बच्चे कहीं और हैं। तो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का जो फैसला हो रहा है वो उन लोगों की वजह से हो रहा है, वो लोग कर रहे हैं जिनका स्टेक कुछ नहीं है जम्मू कश्मीर में, जो महज अपनी एक ड्यूटी और अपनी डेप्टेशन को पूरा करके 2-3 साल के बाद निकल जाएंगे। इसलिए हम ये मानते हैं, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ये दावा करती है, ये मांग करती है कि जल्द से जल्द यहाँ इलेक्शंस हों, लोगों की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो, एक पॉपुलर गवर्नमेंट आए जिन्हें लोगों का एतमाद हासिल हो, और फिर वो वहाँ पे इन चीज़ों का लोगों के फैसले ले, जिस पे लोगों का, कश्मीरियों का मुस्तकबिल, जम्मू के लोगों का मुस्तकबिल डिपेंड है, वो फैसले आप उनको करने दीजिए।